हेलो फ्रेंड्स, मैं बलवान मुदगिल अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अभी तक जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के 4 यूनिट को हम कर चुके हैं। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम 5th यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्या है, नॉन लीनियर पीडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हमारे पास पीडी लीनियर गिवन है तो उसको सोल्व करने का जो मेथड जानते हैं वो हम लैग्रेंज मेथड जानते हैं। अब हम सोल्व करने वाले हैं नॉन लीनियर पीडी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। क्या करने वाले हैं? नॉन लीनियर पीडी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, नॉन लीनियर पीडी ऑफ ऑर्डर वन। क्या करने वाले हैं? हम नॉन लीनियर पीडी को सोल्व करने वाले हैं जिसका ऑर्डर क्या रहेगा, वन रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर पीडी। देखो तो क्या कहेंगे, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। ये क्या होती है, एक रिलेशनशिप होती है किनके बीच में, वेरिएबल के बीच में, जहां से हमारी जो है पीडी ऑब्टेन हुई है, जहां से हमारी क्या हुई है, पीडी ऑब्टेन हुई है। जैसे ध्यान दीजिएगा, मुझे कोई ये दे दे कि कर्ली स्क्वायर जेड, कर्ली एक्स, कर्ली वाई इज इक्वल टू वन। मान लो ये हमारे पास एक पीडी है। ये क्या है, हमारे पास एक पीडी है। कैसी पीडी है? नॉन लीनियर पीडी है, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन की बात करें, अगर मैं ये लिख दूं जेड इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ये इसका क्या है दोस्तों, ये इसका सॉल्यूशन है। आपको सर कैसे है, देखो सेटिस्फाई करता है इसको, करली जेड बाई करली एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, वाई। अब इसका किसके रिस्पेक्ट में कर दो, वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, तो क्या आएगा, वन। तो कर गया इसको सेटिस्फाई, हाँ कर गया। तो ये जो रिलेशनशिप है किसके बीच में, रिलेशनशिप वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप, दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन लीनियर पीडी। ये क्या कहलाएगा, हमारा नॉन लीनियर पीडी का हमारा सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो क्या कहेंगे, ए सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन का दूसरा नाम होता है इंटीग्रल। क्या नाम होता है? इंटीग्रल। तो कई बार आपको ये कहेगा फाइंड द इंटीग्रल ऑफ नॉन लीनियर पीडी, सॉल्यूशन कहो या इंटीग्रल कहो, तो वो क्या होता है, रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, वेरिएबल्स के बीच में। यहां वेरिएबल कौन यूज हुआ है, जेड हुआ है, एक्स हुआ है, वाई हुआ, इनके बीच में क्या है, ये रिलेशनशिप है। दैट मीन्स जिनसे ये पीडी ऑब्टेन हुई, पीडी ये जो पीडी है इसमें जेड है, एक्स और वाई है, तो ये जो ऑब्टेंड हुआ है इनका रिलेशनशिप वाली जो इक्वेशन है वो इसका क्या कहलाती है, वो हमारी इसका सॉल्यूशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हमारी सॉल्यूशन कहलाएगी, ठीक है। अब जो हम मेनली सीखने वाले हैं वो तीन तरह के सॉल्यूशन देखेंगे। अगर हमारे पास कोई नॉन लीनियर पीडी गिवन है तो हम वहां तीन तरह के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कितने तरह के? तीन तरह के सॉल्यूशन। क्या है जब नॉन लीनियर पीडी, सबसे पहले हमारे पास आता है कंप्लीट सॉल्यूशन, और फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और फिर सिंगुलर सॉल्यूशन। ये तीन तरह के हमारे सॉल्यूशन है यहाँ किसके, नॉन लीनियर पीडी के, इसको सीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम सीएस बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पी, इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल या पीआई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको सिंगुलर सॉल्यूशन एसएस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एसएस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मेनली जो हमारा वर्क रहने वाला है वो रहने वाला है कंप्लीट सॉल्यूशन के ऊपर। किस पे रहने वाला है, कंप्लीट सॉल्यूशन के ऊपर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो दो नंबर में आपसे हो सकता है, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ ले या फिर वो आपसे सिंगुलर सॉल्यूशन पूछ ले, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं कि हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है। देखो कंप्लीट सॉल्यूशन समझाने जा रहे हैं। मान लीजिए जेड क्या है, दैट इज द फंक्शन ऑफ, जो जेड है वो किसका फंक्शन है, जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। जेड किसका है, एक एक्स वाई का फंक्शन है। और मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ,
दैट इज एक्स कोमा वाई कोमा जेड ए कोमा बी इज इक्वल टू जीरो। ये मेरे पास फंक्शन है, क्या ये मेरे पास फंक्शन है, ठीक है। मैंने क्या किया इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। अब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कर्ली f बाय कर्ली x। अब x का इसमें x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 प्लस यहां इसका करेंगे तो 0। अब क्योंकि z किसका फंक्शन, x y का, तो क्या हो जाएगा, कर्ली f बाय कर्ली z, और फिर z का किसके रिस्पेक्ट में होएगा, x के रिस्पेक्ट में, ये तो कॉन्स्टेंटली जीरो हो जाएगा, ये आएगा इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा, कर्ली f बाय कर्ली x प्लस इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते स्मॉल p, इसको क्या बोलते p, कर्ली z बाय कर्ली x को क्या बोलते p, तो ये आ जाएगा p इनटू कर्ली f बाय कर्ली z इक्वल टू जीरो। सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में करो तो क्या आ जाएगा, कर्ली f बाय कर्ली y और कर्ली z बाय कर्ली y आएगा, कर्ली z बाय कर्ली y को बोलते q, और ये आ जाएगा कर्ली f बाय कर्ली z इक्वल टू जीरो। ये जो आपको दिखाई दे रहा था, ये जो फंक्शन था, ठीक है, इसके पास क्या था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था a और b, क्या था इसके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, कौन था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, a और b। अब ये जो है पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, इनका यूज करते हुए मैंने a और b की वैल्यू निकाल दी और निकाल के पुट कर दी। क्या किया मैंने, एक a और b की वैल्यू निकाली और निकाल के मैंने पुट कर दी, एक नई एक पिड्डी बना दी मैंने इस फंक्शन की सहायता से, एक पिड्डी बना दी और वो बना दी मैंने साई x y z p a इक्वल टू p कोमा q इक्वल टू जीरो। ये एक पिड्डी है, ये क्या है, ये फंक्शन है x y z का, p कोमा q का। p क्या है, कर्ली z बाय कर्ली x, q क्या है, कर्ली z बाय कर्ली y, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन नंबर स्टार है और ये इक्वेशन नंबर क्या है, डबल स्टार है। तो आप ये कहोगे जो ये इक्वेशन नंबर जो स्टार है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर डबल स्टार। क्या कह देंगे, जो स्टार है वो हमारी डबल स्टार का क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। क्या कह देंगे, जो इक्वेशन नंबर जो स्टार है वो हमारी क्या है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं ये क्या कहलाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी प्रेजेंट प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। ये जो हमारा पर्टिकुलर क्या है दोस्तों, ये हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको ऑब्टेन हुआ है, यहां जो कांस्टेंट आपको दिखाई दे रही है, यहां पर आप कांस्टेंट की आर्बिट्रेरी वैल्यू पुट कर दो, यहां क्या कर दो, कांस्टेंट की कुछ आर्बिट्रेरी वैल्यू पुट कर दो, और कांस्टेंट की आर्बिट्रेरी कुछ वैल्यू पुट करके कुछ नया सॉल्यूशन बनेगा, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं उसको, हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। अब तीसरी बात आ जाती है, कंप्लीट सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, किसकी बात आ गई कि हम कंप्लीट सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, तो ध्यान दीजिए, सॉरी कंप्लीटनेस सिंगुलर सॉल्यूशन। ये जो हमारा क्या था दोस्तों, ये जो स्टार कंप्लीट सॉल्यूशन था, इसके अंदर से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दो, और वो कैसे निकालो, ये रिलेशनशिप का यूज करके। एक बार पर ये जो f है, कौन x कोमा y कोमा z a कोमा b, इसको रख दो जीरो, एक बार इसका पहले कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, वो जीरो कर दो, और एक बार दूसरे कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, वो जीरो कर दो। इन तीनों का यूज करके आप ए बी की वैल्यू निकाल दो, आप इन तीनों चीजों का यूज करके आप ए बी की क्या कर दो, वैल्यू निकाल दो और यहां पुट कर दो, तो इन तीनों को सेटिस्फाई करने वाली जो पिड्डी बन के तैयार होगी या जो सॉल्यूशन तैयार होगा, उसको हम बोलते हैं दोस्तों सिंगुलर सॉल्यूशन।
उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। क्लियर। और एक एग्जांपल की सहायता से मैं आपको ये तीनों चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा कि कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, पर्टिकुलर क्या है और सिंगुलर क्या है, वहां और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और इसको करवाने से पहले कुछ रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता देता हूं जो हम यहां यूज करने वाले हैं। देखो है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि किसके बारे में, कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स क्या होता है, तो इसको हम एफ के सफिक्स में स्मॉल एक्स लिख देंगे। कोई आपसे ये कहे कर्ली एफ बाय कर्ली वाई क्या है, तो एफ के वाई, और कर्ली एफ बाय कर्ली जेड, तो एफ के पैर में स्मॉल जेड बना देंगे। ठीक है। और पी के रिस्पेक्ट में कर्ली एफ बाय कर्ली पी करना है, तो एफ के पैर में पी, और कर्ली एफ बाय कर्ली क्यू करना है, तो एफ ऑफ क्यू। ये हमारी नोटेशन कहें या फिर ये कहें, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है, इसका मैं यूज करूंगा। क्लियर। क्या करने वाला हूं दोस्तों, मैं इसका यूज करने वाला हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, नॉन लीनियर पीडी जो होगी तो उसको जो सोल्व करने का जो मेथड होता है वो हमारा होता है चार पिट मेथड। क्या होता दोस्तों, नॉन लीनियर पीडी को सोल्व करने का जो मेथड है वो हमारा चार पिट मेथड है। ठीक है। और जब भी आपको क्या चाहिएगा, जब भी आपको सोल्यूशन चाहिएगा, तो आपको ये कहे फाइंड द सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का मतलब है तीनों, कंप्लीट पर्टिकुलर सिंगुलर। अगर आपने सिर्फ कंप्लीट निकाला तो वो क्वेश्चन अधूरा है। अगर वो मेंशन करके दे फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन, अगर क्या कहे वो, अगर वो आपको ये कहे फाइंड द सॉल्यूशन, तो आपको तीनों ही निकालने हैं, कंप्लीट भी, पर्टिकुलर भी और सिंगुलर भी। और सिर्फ और आपको वो ये कहे फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन, तो फिर आपको कंप्लीट निकालना है, पर्टिकुलर या सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं निकालना है। ठीक है। अब एक सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि चार पिट मेथड होता है, चार पिट इक्वेशन होती क्या है। ठीक है। तो आइए चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, हम बात कर लेते हैं चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो क्या होती है, हमारे पास मान लीजिए फंक्शन जो है एफ के ऊपर ही काउंट कर लेते हैं। एफ क्या है, किस टाइप का है, एक्स वाई जेड पी क्यू बराबर, ये किस टाइप का है कोई फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, कर्ली एफ बाय या सॉरी डी एक्स बाय, डी एक्स बाय माइनस का एफ ऑफ पी, डी वाई अपॉन में माइनस एफ ऑफ वाई, डी जेड अपॉन में माइनस का एफ पी ऑफ एफ पी क्यू ऑफ एफ क्यू, और डी एक्स अपॉन में डी पी आ गया, डी ऑफ P है तो F of X plus P और F of Z, और फिर D of Q आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये F of Y plus में Q F of Z। ये हमारे पास क्या बच्चों, चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन हुआ करेगी। ठीक है। क्या है नोटेशन, डी एक्स बाई माइनस एफ पी, डी वाई बाई माइनस एफ वाई, डी जेड बाई माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू, डी पी बाई एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। ठीक है। टारगेट होता है हमारा किसकी वैल्यू को निकालना, टारगेट हमारा है इस पी की और इस क्यू की वैल्यू निकालना, और निकाल के पुट कर देना इक्वेशन में। क्या करना होगा हमें, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है,
पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है और निकाल के इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या क्या करेंगे, ऑलवेज P और Q की वैल्यू निकालेंगे और P और Q की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में हम पुट कर दिया करेंगे, हमारा सॉल्यूशन आ जाया करेगा। क्या कर दिया करेंगे दोस्तों, P और Q की वैल्यू को हम निकाला करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम निकाल सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं टाइप नंबर वन। क्या सीखने जा रहे हैं इसके अंदर, टाइप नंबर वन। टाइप नंबर वन क्या होगी कि जो f है, दिस इज द फंक्शन ऑफ p कोमा q, ये सिर्फ p और q का फंक्शन होगा। किसका फंक्शन होगा, p और q का फंक्शन होगा। जैसे हो सकता है कोई आपको ये कहे f इज इक्वल टू p प्लस q, कोई ये कहते f इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, कोई ये कहते f बराबर p माइनस q, या f बराबर p का स्क्वायर q, या f बराबर q का स्क्वायर p, लाइक दिस। क्लियर, तो टाइप नंबर वन ये है कि जब हमारा जो फंक्शन है f वो p और q का फंक्शन होगा। क्या होगा, जब हमारा जो f है वो हमारा p और q का फंक्शन होगा, तब कैसे सॉल्व करेंगे, कौन कौन सा, कंप्लीट सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, एक क्वेश्चन की सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश कर, देखो मैंने क्वेश्चन ये ले लिया, एक एक्सरसाइज का ही उठा रहा हूं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Q इक्वल टू फोर पी की क्यूब, फोर पी की क्यूब, या दैट इज करके q माइनस फोर पी की क्यूब, इसका नाम रख दो f, इसका क्या नाम रख दो f। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी फंक्शन x कोमा y का रहा करेगा तो एफ एक्स तो जीरो आया करेगा और एफ जेड भी जीरो आया करेगा और एफ वाई भी जीरो आया करेगा। तो डायरेक्ट जो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ चार पिट इक्वेशन। यहां देखो तो dp by में क्या बना करेगा, हर बार डीपी बाई में, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो बना करेगा और डी क्यू अपॉन में भी जीरो बना करेगा, वैल्यू पुट करेंगे। अब डीपी अपॉन में जीरो है तो ये तो नॉन जीरो हो नहीं सकता, क्यों, अगर हमारा डीपी नॉन जीरो हो गया और ये जीरो है तो ये तो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो इसका मतलब इसके बारे में जीरो है, दैट मीन्स ये क्या रहेगा, डीपी भी क्या रहा होगा, जीरो, तो पी कोई कॉन्स्टेंट रहा होगा। सिमिलरली डी क्यू भी क्या रहा होगा, जीरो, क्यू क्या रहा होगा, कोई कॉन्स्टेंट भी, तो ये रहा होगा। हम क्या करेंगे, p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई, अब p और q में एक रिलेशन निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं, अब हम p और q में एक रिलेशन निकाल देते हैं, ये किसके बराबर था दोस्तों, जीरो के। क्या रिलेशन निकाल देते हैं, a और b के क्रम में, तो यहां पुट कर दे q की वैल्यू b, b माइनस फोर ए का क्यूब बराबर जीरो, तो b की वैल्यू आ गई 4a की क्यूब। क्लियर, ये आ गई। अब ले जाके फॉर्मूले में क्या निकालना, सबसे पहले मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन वो कैसे निकलेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन जो dz है वो क्या लिखेंगे हम, p dx प्लस q dy, ये हम पुट कर देंगे। ठीक है, अब dz p की वैल्यू पुट कर देंगे, q की वैल्यू पुट कर देंगे, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, p की वैल्यू क्या है, a थी, a dx, q की वैल्यू पुट कर दो इन द टर्म ऑफ दिस a में, 4a की क्यूब dy,
इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दो तो जेड इक्वल टू ए एक्स फोर ए की क्यूब वाई प्लस में कॉन्स्टेंट सी। दिस इज माय कंप्लीट सॉल्यूशन। ये हमारा क्या हुआ करेगा दोस्तों, ये हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ करेगा। क्या कहलाएगा ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। फिर से बताता हूं क्या किया। हर बार ऐसा हुआ करेगा जब जब f फंक्शन जो है p और q का हुआ करेगा क्या होगा कि p की वैल्यू भी कांस्टेंट a आएगी और b की वैल्यू कोई कांस्टेंट b आएगी, वहां से a और b में रिलेशन निकालेंगे इसमें पुट करके निकल जाएगा। और फिर इक्वेशन dz बराबर pdx प्लस qdy इसमें p और q की वैल्यू पुट कर देंगे, एक ही टर्म में वेरिएबल बनाना चाहे वो दोनों को a में लिखो या दोनों को b में लिखो, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो z है हमारे पास क्या होगी एक इक्वेशन बनेगी, ऑलवेज दो वेरिएबल होंगे a और c की टर्म में, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा क्या कहलाएगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अब क्लियर। अब जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसमें सिर्फ कंप्लीट सॉल्यूशन ही निकालना है, एक पार्ट मैंने करवा दिया है दूसरा पार्ट आपको करना है। अगर आपको ये कहता फाइंड द सॉल्यूशन, अगर वो कंप्लीट सॉल्यूशन कहे तो यहीं पे छोड़ देंगे, वो ये कहे फाइंड द सॉल्यूशन तो आपको तीनों निकालने हैं, कंप्लीट भी पर्टिकुलर भी और सिंगुलर भी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं, क्या करता हूं मैं आपको एक और क्वेश्चन जो है मैं आपको सोल्व करवा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए, चलो अच्छा सही का ही उठा लेता हूँ, पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। मान लो आपको ये दे दिया जाए पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, तो यहाँ से क्या बनेगा पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, दिस इज माई फंक्शन एफ, क्लियर। एंड सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स दैट इज जीरो, एफ वाई जीरो, एफ जेड जीरो, क्लियर। तो ये सारी वैल्यू हम चार फिट इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ, तो यहाँ से क्या बनेगा डी पी बाई जीरो, यानी कि पी की वैल्यू आ जाएगी कॉन्स्टेंट ए, क्यू की वैल्यू आ जाएगी कॉन्स्टेंट बी, ये वैल्यू आ जाएगी। और ले जाके आप डायरेक्ट पुट कर दो क्या हो जाएगा, पुट कर दो क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस फोर बराबर जीरो, किसी एक की वैल्यू निकाल दो, मैं निकाल देता हूँ ए की या बी की वैल्यू निकाल देता हूँ, b का स्क्वायर आएगा 4 माइनस ए स्क्वायर, तो b क्या आ जाएगा 4 माइनस ए स्क्वायर का रूट, ये ले रहा हूँ एक वैल्यू, प्लस माइनस आता मैं प्लस वाली ले रहा हूँ, क्लियर b आ गया। अब dz किसके इक्वल होता है pdx प्लस qdy, p की वैल्यू क्या a dx, b की वैल्यू पुट कर दी 4 माइनस ए का स्क्वायर dy, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दो, तो ये z ये ए एक्स प्लस फोर माइनस ए का स्क्वायर अंडर द रूट y प्लस में सम कांस्टेंट, दिस इज माय कंप्लीट सॉल्यूशन। ये हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, ये हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। जब जब हमारे पास क्या हुआ करेगा, जब जब हमारे पास f जो है x और y तो जो भी इसका फंक्शन हुआ करेगा, जब जब हमारा जो फंक्शन है वो p और q का हुआ करेगा ओनली, तो डायरेक्ट p की वैल्यू a q की वैल्यू b, वो कैसे ऑब्टेन हुई है वो यहां ऑब्टेन हुई है चार फिट से, ठीक है, और सोल्व कर देंगे, ये क्या होगा कंप्लीट सॉल्यूशन। अच्छा कई बार आपको सामने वाला ये कहेगा फाइंड द सॉल्यूशन, तो वहां आपको तीनों निकालने, जैसे एक क्वेश्चन करवा रहा हूं ये तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, अब एक क्वेश्चन देखो जैसे आपको ये कहा जाए सोल्व द पीडी, सोल्व द पीडी, आपको पीडी को सोल्व करना है, क्वेश्चन उठा लिया जैसे क्वेश्चन नंबर 30 देखो, मुझे ये दे दिया जाए पी बराबर क्यू का स्क्वायर, ये दे दिया, अब सोल्व करना है, सोल्व करने का मतलब आपको तीनों ही निकालने हैं सॉल्यूशन, क्या क्या कंप्लीट पर्टिकुलर सिंगुलर, आओ सब। अब p माइनस क्यू का स्क्वायर क्या है जीरो,
तो क्लियरली यहां भी जो फंक्शन f है वो p कोमा q का ही है। क्लियर, तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल देते हैं, p की वैल्यू a, q की वैल्यू b, ले जाके पुट करो, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर जीरो, तो a बराबर बी का स्क्वायर। क्लियर, b को a स्क्वायर कह दो या a को b स्क्वायर कह दो, ठीक है, b की वैल्यू निकालूंगा तो a का रूट हो जाएगा, ये होगा, तो dz इसके बराबर हो जाएगा p dx प्लस q dy p, a dx q की वैल्यू रूट ए डी वाई, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो z बराबर ए एक्स रूट ए वाई प्लस सी, दिस इज माई कंप्लीट सॉल्यूशन। ये क्या है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है, क्या कहलाएगा दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। इस कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर ए की कुछ आर्बिट्रेरी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, क्या करो इस ए की कुछ आर्बिट्रेरी वैल्यू, अच्छा जनरल सिंगुलर सॉल्यूशन बताना है, देखो यहां कौन कौन सा कांस्टेंट दिखाई दे रहा है आपको, इसको उठा लो यहां, तो यहां एफ क्या बनेगा, एक नया फंक्शन ये बनेगा जेड माइनस ए एक्स माइनस रूट ए वाई माइनस सी, क्लियर, इक्वल टू क्या हो गया, जीरो आ गया, एफ तो यूज कर चुका हूं तो इसका नाम यूज कर लो फाई, ठीक है, ये फाई फंक्शन हो गया। अब इस एक बार तो इस फाई को जीरो कर दो, जीरो के इक्वल पुट कर दो, एक करली फाई बाय करली ए बराबर जीरो कर दो, और एक करली फाई बाय करली बी बराबर जीरो कर, कॉन्स्टेंट यहां सी है तो सी, सी बराबर जीरो कर दो, और इन तीनों का यूज करके कोशिश करो आप ए और सी को एलिमिनेट कर पाओ, ए और सी अगर आपका एलिमिनेट हो जाए इसमें पुट कर देना, वो इसका सॉल्यूशन होगा, कौन सा सिंगुलर, आओ एलिमिनेट करते हैं, इसको जीरो के ऊपर पुट किया तो ये क्या निकालो, करली फाइव बाय करली ए, ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस में क्या बचेगा यहाँ एक्स, और ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन बाय टू रूट ए वाई एल टी, सी का करेंगे तो जीरो, और क्या निकाल देंगे अब सी की, करली फाई बाय करली सी, इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे सी के रिस्पेक्ट में, तो यहां क्या आएगा माइनस का वन, और ये किसके इक्वल है जीरो के, ठीक है, इसको जीरो के इक्वल पुट करना है, क्या क्या ये इसकी वैल्यू भी जीरो, इसकी वैल्यू भी जीरो, अब ये जीरो होने से तो ये जीरो हो गया, ठीक है, ये जीरो होने से क्या पता चल गया ये जीरो, और करली फाइव बाई करली सी इक्वल टू जीरो होने से क्या पता चल गया माइनस वन इक्वल टू जीरो, क्या पता चल गया माइनस वन इक्वल टू जीरो, क्या माइनस वन कभी जीरो के इक्वल हो पाएगा, तो आपका जवाब होगा नो, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, क्या कह देंगे दोस्तों, नो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्लियर, आपको फाइव को जीरो रखना है, करली फाइव बाई करली ए को जीरो रखना, करली फाइव बाई करली सी को जीरो रखना, और आप ये देखोगे ये जो तीसरी कंडीशन है ना हमेशा फेल हुआ करेगी, क्या देखोगे, तीसरी कंडीशन हमारी हमेशा फेल हुआ करेगी, यानी कि यहां पर हमारा नो सॉल्यूशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहां तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया करेगा, और यहां ये कुछ भी बने हमेशा यहां क्या हुआ करेगा वन या माइनस वन, और वो इक्वल टू जीरो है, तो हमेशा नो सॉल्यूशन का केस यहां क्या होगा नॉट पॉसिबल, क्लियर, क्योंकि ये तीसरी कंडीशन जो है हमारा यहां पर कोई कांस्टेंट आएगा नॉन जीरो, ये जीरो है तो पॉसिबल नहीं होगा, तो क्लियर, तो इसका जब भी कोई फंक्शन किसका होगा पी का और क्यू का होगा वहां पर हमारा नो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हुआ करेगा, क्लियर, तो नो सॉल्यूशन के बारे में तो क्या कह देंगे नो सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, अब बात करने जा रही है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें जनरल सॉल्यूशन डिस्कस करना, सॉरी पर्टिकुलर में तो जस्ट पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दो, अब मैं समझाने जा रहा हूं जनरल सॉल्यूशन, क्या समझाने जा रहा हूं आपको कि जनरल सॉल्यूशन आपको कैसे ऑब्टेन करना है,
देखो जनरल सॉल्यूशन के लिए जो ये आपको फंक्शन दिखाई दे रहा सी, इसका नाम रख लो कोई फंक्शन ऑफ ए रख देना। क्या रख देना? इसका नाम फंक्शन ऑफ ए का रख देना। ध्यान दीजिएगा जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। ये जेड इक्वल टू था, उठा के यहां ले आओ, क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस रूट ए वाई, सी की वैल्यू रख दो कोई फंक्शन किसका, ए का, और किसके बराबर, जीरो के। ये आ गया। और यहां से हम दो चीजें कैलकुलेट किया करेंगे। क्या किया करेंगे? यहां से हम दो चीजें कैलकुलेट किया करेंगे। ध्यान दीजिएगा, याद है जनरल सोल्यूशन, एक तो ये और एक हम क्या क्या करेंगे, तो इसको खुद जीरो कर देंगे और एक ये जो भी है जेड माइनस और एक इसका एक्स के रिस्पेक्ट में क्या क्या करेंगे डेरिवेटिव, सॉरी ए के रिस्पेक्ट में, और उसको भी क्या क्या करेंगे हम ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके जीरो। एक बात तो ये जो इसका नाम मैं रख दूं, क्या रख दूं, एफ फंक्शन है ये, एक बार तो ये खुद एफ को जीरो रखेंगे और एक बार इस एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए वो जीरो, क्योंकि हमने सबको ए की वेरिएबल ए में कन्वर्ट कर लिया तो ए को जीरो, एक तो ये खुद जीरो और एक ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो इसका, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का एक्स, यहाँ क्या आएगा टू रूट ए वाई, और ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन डैश ए बराबर जीरो। दिस इज माई जनरल सॉल्यूशन। ये क्या है? हमारा जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, एक क्वेश्चन से और समझाता हूं, वहां से और अच्छे से क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा, 3 सॉल्यूशन कौन कौन से, कंप्लीट सिंगुलर जनरल। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 उठा लेता हूं या क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 को उठा रहा हूं, p बराबर e की पावर q, क्लियरली f इज द फंक्शन ऑफ p कोमा q ओनली, सो p की वैल्यू a q की वैल्यू b, तो यहां क्या जाएगा a बराबर e की पावर b, a की वैल्यू क्या जाएगी e की पावर b, और b की वैल्यू निकालोगे तो log of a बराबर b, e log b वन, e आएगा log e की पावर b, b आ गया आएगा log e वन होता तो ये b आ जाएगा, तो फिर अगर log नेगेटिव का डिपेंड नहीं होता तो वो a को लिखना पड़ेगा पॉजिटिव के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, ये आ गया आपके पास, अब ले जाके पुट कर दो, dz बराबर p dx q dy, डी जेड बराबर पी की वैल्यू ए डी एक्स क्यू की वैल्यू लॉग ए डी वाई, इंटीग्रेशन जेड ए एक्स लॉग ए वाई प्लस सी। ठीक है, ये आ गया, ये क्या कहलाएगा हमारा, दिस इज माई कंप्लीट सॉल्यूशन। अब सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा, एक फंक्शन बनाएंगे कम सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए, देखो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए एफ एक फंक्शन बनाएंगे कौन, जेड माइनस ए एक्स माइनस लॉग ए वाई माइनस सी। ठीक है, और सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हम क्या क्या करेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए एक बार तो एफ को जीरो रखेंगे, कर ली एफ बाई, कर ली ए को जीरो रखेंगे, कर ली एफ बाई, कर ली सी को जीरो रखेंगे, और इन दोनों को सेटिस्फाई, इन तीनों को सेटिस्फाई करने वाले हैं, और हमें इस पीडी को ये देखेंगे क्या ये हम टारगेट है इस ए और सी की वैल्यू निकालना, इनको सेटिस्फाई करते हुए। और आप जैसे ही देखोगे जब सी के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ ये तो क्या बनेगा माइनस वन और वहाँ क्या बनेगा जीरो, तो
ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब यहां पर सिंगुलर सॉल्यूशन तो हमेशा लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन के लिए देखो, जनरल सॉल्यूशन में क्या करेंगे, F तो है ही, z माइनस ए एक्स माइनस लॉग ए वाई और c को रख देंगे कोई फंक्शन ऑफ a, और ये बोल देंगे फाई क्या है, फाई इज द फंक्शन, फाई क्या है, फंक्शन ऑफ a ओनली, दैट इज वैल्यू ऑफ c, c को बोल दिया फाई ऑफ a। अब यहां दो चीजें ऑब्टेन करेंगे, एक तो f को जीरो और एक इस f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a जीरो। f जीरो होने का मतलब ये खुद जीरो, यानी कि z माइनस ए एक्स माइनस लोग ए वाई माइनस साई ऑफ ए बराबर जीरो, इसका करो ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो ये क्या पाएगा, माइनस का x माइनस का लोग का क्या होगा, वन बाय ए वाई और ये साई डैस ए बराबर जीरो। दिस इज माई जनरल सॉल्यूशन, ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन है, क्लियर। ये हमारा इसका क्या है दोस्तों, ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये बोल देंगे साई क्या है, यहाँ एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, साई क्या है, एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, क्लियर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, या तीनों सॉल्यूशन निकालने हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। यहां पर सिंगुलर सॉल्यूशन तो हमेशा ही जीरो हुआ करेगा, क्यों, क्योंकि हमें यहां पर क्या है, या कि इन चीजों तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है, जो ये तीसरी कंडीशन है ये तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी, जब फंक्शन एक्स कॉमा वाई का वर्ड नहीं सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब यहाँ सिंगुलर सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। और जनरल सॉल्यूशन में जो सी है उसको ए के टर्म में पुट कर देते हैं, फंक्शन ऑफ ए, और यहां से सिर्फ ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पुट करके, एक तो ये खुद f और एक इसका डेरिवेटिव a के रिस्पेक्ट में जीरो, ये दो कंडीशन आएगी, ये सॉल्यूशन जो होगा, दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन, ये क्या होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। हालांकि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कंप्लीट सॉल्यूशन, क्या है हमारे लिए कंप्लीट सॉल्यूशन इम्पोर्टेंट है। हाँ कई बार ऐसा होगा दो नंबर में जनरल सॉल्यूशन पूछ ले तो वो आपको पता होना चाहिए निकलता कैसे, अदरवाइज हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन के ऊपर ही, क्लियर। तो जो पहली एक्सरसाइज है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई का रहेगा, क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई का। एक लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूं इससे रिलेटेड, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, p का स्क्वायर प्लस 6p प्लस 2q प्लस 4 इक्वल टू 0, ये है f, नाम रख देंगे फंक्शन ऑफ x y, तो p की वैल्यू तो आएगी a, q की वैल्यू आएगी b, किसी एक की वैल्यू निकाल देंगे, q की निकाल देंगे, तो ये आएगा a का स्क्वायर प्लस 6a प्लस 2b प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो 4 माइनस ए का स्क्वायर माइनस 6a डिवाइड बाय 2, दिस इज माय b, ये किसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, b की वैल्यू आ चुकी है। अब ये जो वैल्यू है हम क्या करेंगे, हमारा सॉल्यूशन जो dz होता है वो क्या होगा, p dx q dy, ये है p और q की वैल्यू पुट कर देंगे, p की वैल्यू a है, a dx b dy, क्लियर, b की वैल्यू इन द टर्म ऑफ a, dz a dx इसकी वैल्यू 4 माइनस a का स्क्वायर माइनस 6a डिवाइड बाय 2 dy, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, z इक्वल टू a x प्लस 4 माइनस ए का स्क्वायर माइनस 6 ए डिवाइड बाय 2 वाई प्लस सी, दिस इज माय कंप्लीट सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन में फिर से वही f नाम रख देंगे किसका, z माइनस ए एक्स माइनस
फोर माइनस ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए डिवाइड बाई टू वाई प्लस ए, ठीक है, फॉर द सिंगुलर सॉल्यूशन। f इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। f का रिस्पेक्ट पहले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जीरो, f का डेरिवेटिव सेकंड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट के रिस्पेक्ट, वेरिएबल नहीं कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में जीरो। अब जब तीसरा कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में जीरो करोगे तो वो हमेशा क्या होगा, नॉट सेटिस्फाई। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में क्या कहोगे, नॉट ऑब्टेन। और जनरल सॉल्यूशन में क्या करोगे, इस c की वैल्यू पुट कर दोगे साई ऑफ ए, और क्या कैलकुलेट कर देंगे, एक बार तो f को जीरो रख देंगे और एक कर लिया बाय कर ली ए को जीरो, ये दो कंडीशन को जीरो पुट कर देंगे, वो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। क्लियर। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी जो एक्सरसाइज है कौन सी 5.1 ये हमारी कंप्लीट होती है। आई होप ये आपको समझ में आई होगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है 5.2 को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।